द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री रेडिकल्स। इससे पहले हमने रेडिकल की टर्म पहले भी यूज़ की थी। रेडिकल्स हमने कहा था ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी सम चार्ज ऑन देम, जबकि फ्री रेडिकल्स हम कहते हैं एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कंटेन ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन जो कि अनपेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं डॉट से ओवर द सिंबल ऑफ एलिमेंट, लाइक एच हाइड्रोजन एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसको हम डॉट से प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास डॉट से प्रेजेंट करते हैं। ये डॉट कौन सा है? हमारे पास क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में ओवरऑल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 7 की अगर हम पेयरिंग कर दें तो 3 पेयर हमारे पास बन जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन के। 7th इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस तरह अनपेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये फ्री रेडिकल्स बनते हमारे पास कहते हैं जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है बाय लाइट और हीट, तो हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। लाइक क्लोरीन मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास दो क्लोरीन एटम बॉन्ड बना रहे होते हैं। ये बॉन्ड कैसे बनता है? हमारे पास दोनों क्लोरीन एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो 7th इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर रहे होते हैं और बॉन्ड बना रहे होते हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों क्लोरीन एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये क्लोरीन एटम नंबर 1 और ये सेकेंड एटम, दोनों यहाँ पे दो फ्री रेडिकल्स जनरेट हो गए। इसको हम कंबाइन करके लिखें तो ये 2 क्लोरीन रेडिकल्स जनरेट हो गए हमारे पास। नेक्स्ट टर्म इज़ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हमारे पास एटम्स की कम्बिनेशन से बनते हैं। जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं थ्रू डिफरेंट बॉन्ड्स तो हमारे पास मॉलिक्यूल बनते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसमें दो क्लोरीन एटम्स कंबाइन हुए हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। मॉलिक्यूल्स को हम कैटेगराइज करते हैं दो फैक्टर्स के बेसिस पे। 1 ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो इनके दो ग्रुप्स होते हैं, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इनकी कैटेगराइज करें मॉलिक्यूल को, तो हमारे पास 4 टाइप्स हैं मॉलिक्यूल्स की। पहले हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम्स जो हमने डिवीजन की है। मोनोटॉमिक, एज अ नेम इंडिकेट मोनो, मोनो मीन्स 1। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल आर दूस मॉलिक्यूल विच कंटेन 1 एटम। वो मॉलिक्यूल जिनमें 1 एटम प्रेजेंट हो उनको हम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ये यूजुअली हमारे पास जो नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस भी जिनको कहते हैं, वो सब मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, लाइक हीलियम, आर्गोन, नियोन एटसेट्रा। डायटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई मीन्स 2, एटॉमिक मीन्स एटम, 2 एटम जिन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल, लाइक H2, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इनमें दो दो एटम्स प्रेजेंट है। ट्राईटॉमिक मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिनमें 3 एटम्स हों, लाइक CO2, इसमें देखें 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो दोनों कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स में हमारे पास 3 एटम्स प्रेजेंट है। पॉली मीन्स मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, तो पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, लाइक CH4, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स, टोटल हमारे पास 5 एटम्स हैं। इसमें देखें 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है, 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास मैनी एटम्स प्रेजेंट हैं। सेकेंड कैटेगरी जो हमने की थी मॉलिक्यूल की, दैट इज़ होमोटॉमिक एंड हाइड्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जो कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम्स के बेसिस पे डिवाइड किए थे। होमो मीन्स सेम, वो मॉलिक्यूल जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं उनको हम कहते हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए इनको हम कहते हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। ओजोन में O3, 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, दैट इज़ होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर दूस मॉलिक्यूल विच कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम आते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए हमारे पास कार्बन एटम है और ऑक्सीजन एटम है, 2 टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट है हमारे पास, तो दिस इज हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें हम नंबर ऑफ एटम नहीं देखें, हम इसमें टाइप देखेंगे कौन किसी टाइप ऑफ एटम्स इसमें प्रेजेंट है। नाउ आज के लिए यहाँ इतना काफ़ी है। आपका आज का होमवर्क है लर्न द टॉपिक फ्रॉम पेज 11 to 16। अभी तक हमने जो आज जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो पेज 11 to 16 तक है। आपने सारे टॉपिक्स लर्न करनी है और इसके साथ जितनी भी टीवी एक्सरसाइजेस हैं इंक्लूडिंग 1.4 एंड 1.5 एंड 1.6, 1.7, 1.8 एंड 1.9 जो टेबल्स हैं वो भी इसका पार्ट है। शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं 11 to 15। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी में आता है, टेबल्स में ही, तो ये भी आपने प्रिपेयर करना है। एंड न्यूमेरिकल नंबर 5 to 6, 2 न्यूमेरिकल्स हैं, इनकी आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।